मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी में जश्न का माहौल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस जीत का श्रेय विकास को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए उनको रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की हर नीति का विरोध कर रही है और उसी का परिणाम है कि जनता उसे लगातार नकारने में जुटी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की जमानत जब्त होने को लेकर कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस कहीं भी आगे नहीं है। भारत की जनता ने अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुना और बीजेपी पर भरोसा जताया। देखिए, जो हम जनता का भाव पढ़ रहे थे, जो हम जनता के बीच में जाते, लोगों के मन में एक भावना थी कि चंपावत पूरे प्रदेश के विकास का नेतृत्व करे। चंपावत जहां अपने विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी, वहां ये भी भावना थी कि प्रदेश का जो विकास है उसका नेतृत्व भी चंपावत करे। तो ये जो भावना थी, ये भावना लोगों को एक उत्साहित हो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को अपने यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जिताकर भेजे। और मैं चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहाँ की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जब हम जनता से कटकर जनता की भावनाओं के विपरीत बात करते हैं तो तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता का इसी प्रकार का निर्णय होता है। आप राम मंदिर का विरोध करोगे, आप 3 तलाक का विरोध करोगे, आप कानून, जो नागरिक संशोधन कानून का विरोध करोगे, आप हर ऐसे आप वैक्सीन का विरोध करोगे, आप उत्तराखंड के विकास का विरोध करोगे। तो जो विकास का विरोध इस रूप में हर चीज को लेकर करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता की जो भावनाएं हैं वो इसी रूप में उजागर होती है। थैंक यू।